हेलो डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो कि डिप्लोमा कोर्स के लिए है और ये ओसीबीसी 2019 के स्कीम पर आधारित है, सब्जेक्ट फिजिक्स की में मॉड्यूल 2 में आपका स्वागत है। ये सिस्टम ऑफ यूनिट पर आधारित है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और इस सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम और जानेंगे तो हम इसके आउटकम्स देखते हैं। लर्निंग आउटकम्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हम जानेंगे कि क्यों इसकी हमें इतनी आवश्यकता पड़ी, क्यों हमें ज़रूरत है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की, ऐसी क्या ड्रॉबैक्स थे कि हमें इस सिस्टम को लाना पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। सेकंड, यूनिट ऑफ मेज़रमेंट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो सीखेंगे, और मेज़रमेंट की वेरियस टेक्निक्स के बारे में हम जानेंगे, उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे और उस टेक्निक्स को हम आगे अपनी दूसरी क्लासेस में अप्लाई करेंगे। और लर्निंग में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेज़रमेंट, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं स्लाइड में, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट में आप देख रहे हैं चार सिस्टम ऑफ यूनिट दिए हैं, CGS, FPS, MKS एंड SI यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है कि जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स दोनों के कॉम्बिनेशन को एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है। उन कॉम्बिनेशंस यूनिट को अलग अलग कैटेगरीज या अलग अलग सिस्टम में डिफाइन किया जाता है। इन कैटेगरीज या इन सिस्टम्स को चार भागों में बांटा गया है और उनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं CGS। CGS मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर से, मास को ग्राम से और टाइम को सेकेंड से मेजर किया जाता है। ये मेज़रमेंट टेक्निक या ये सिस्टम ज़्यादातर फ्रांस या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ज़्यादातर एप्लीकेबल होती है। क्यों? क्योंकि इसके पहले एक गॉसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1863 में मिलीग्राम, मिलीमीटर एंड मिली सेकेंड में मेज़रमेंट दिए थे। वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल मेज़रमेंट्स थे, इतने ज़्यादा स्मॉल थे कि अगर मुझे दिल्ली से कोलकाता के डिस्टेंस को मेज़र करके बताना है तो मिली सेकेंड, मिलीमीटर इसमें बताना पड़ता, मतलब कितनी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी हमको शो करनी पड़ती इतने इतने से मेज़रमेंट करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक आने लगा, तब CGS सिस्टम आया और CGS सिस्टम को ज़्यादातर अमेरिका, फ्रांस में ज़्यादा फॉलोअप किया गया, उसको ज़्यादा मान्यता मिली उस सिस्टम को। फिर उसके बाद हमने देखा FPS सिस्टम। FPS सिस्टम फुट पाउंड सेकेंड, जिसमें लेंथ को फुट, मास को पाउंड एंड टाइम को सेकेंड में मेज़र किया जाता है। और फुट पाउंड एंड सेकेंड ज़्यादातर ब्रिटिश के टाइम की सिस्टम बोला जाता है, ब्रिटिश फॉलो करते थे इस सिस्टम को। और उसके बाद MKS सिस्टम आया जो कि मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड पर आधारित है, जो कि न्यूली है। 1967 में ये सिस्टम आया था। 1967 में ये सिस्टम आने के बाद इसमें हमने देखा कि लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से और टाइम को सेकेंड में मेज़र किया गया। जब ऐसी बात हुई कि अदर कंट्रीज़ भी ऐसे सिस्टम्स को, एक ही सिस्टम है जो फॉलोअप करे, तो ताकि किसी को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग में, कम्युनिकेशन करने में, तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जो कि पूरे इसमें मान्यता प्राप्त हो उस सिस्टम को। तो ऐसे सिस्टम को हमने बोला स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट्स। तो SI यूनिट्स जो कि फॉलो करता है MKS सिस्टम को, और CGS सिस्टम को न करने का फॉलो ये था कि वो बहुत स्मॉल यूनिट्स होती है और MKS थोड़ी सी मेज़र करने के लिए बेटर होती है, इसीलिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हम MKS को फॉलो करते हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो एकेडमिक्स, कमर्शियल वर्क्स, कम्युनिकेशंस में और टीम वर्क में, अदर मतलब हर फील्ड में हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडेबल है। सो अब हम इसको देखते हैं SI यूनिट्स में कितने यूनिट्स आती है, कैसे ये फॉलो करती है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑन एसआई यूनिट। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स फॉलो करती है। फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम मॉड्यूल वन में पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल यूनिट जो कि अभी हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ आपको शो हो रहा है लेंथ, लेंथ यहाँ आपको शो हो रहा है लेंथ, लेंथ की यूनिट है मीटर और जिसका सिंबल है एम। और अगर मुझे 1 मीटर लाइट पाथ का निकालना है, यानी एक लाइट ट्रेवल कर रही है, एक लाइट ट्रेवल कर रही है और उसको 1 मीटर मुझे मेजर करना है, तो 1 मीटर की उसकी लेंथ कितनी होगी? 1/300 मिलियन सेकेंड, ये उसका टाइम जो है लेंथ डिस्टेंस को मेज़र करने का होता है। तो इसी तरह हम मीटर में भी निकाल सकते हैं। तो ये था 1 मीटर की डेफिनेशन। किलोग्राम जो कि है मास की यूनिट और इसको शो करते हैं केजी से। थर्ड है टाइम जिसकी यूनिट है सेकेंड और जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट जिसका यूनिट है एम्पियर एंड इसका सिंबल है कैपिटल ए। फिफ्थ है टेम्परेचर, टेम्परेचर को अक्सर डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है लेकिन ऑल ओवर स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से इसे केल्विन में मेज़र किया जाता है और इसकी यूनिट है कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आयंस बोलो, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, एटम्स, इन सब की जो यूनिट जो मेज़र की जाती है वो मोल्स में होती है और मोल्स को हम बोलते हैं MOL से डिनोट करते हैं। लास्ट है हमारा लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी कहीं कहीं बुक्स में आपको ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के नाम से भी देखा जा सकता है। तो ये ल्यूमिनियस इंटेंसिटी वो होती है जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई सोर्स लाइट एमिट करती है, यानी लाइट का जब प्रवाह करती है तो वो मोनोक्रोमैटिक होता है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है एक वर्णीय प्रकाश। तो मोनोक्रोमैटिक जब होता है लाइट तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है, दैट्स इंटेंसिटी इज कॉल्ड अ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और उस ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को हम मेज़र करते हैं कैंडेला में, और कैंडेला जो कि यूनिट है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं सिम्बॉल से CD से। तो ये था फंडामेंटल यूनिट। और अब सबसे मेजर पार्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो कि हम अब पढ़ेंगे। ये आपके लिए नई यूनिट्स है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एंगल एंड सॉलिड एंगल, एंगल एंड सॉलिड एंगल में एंगल जो मेज़र किया जाता है रेडियन में एंड इसको सिंबल है RAD, एंड सॉलिड एंगल जो कि है स्टे रेडियन है तो जिसमें हम बोल सकते हैं SR सिंबल इसका। अब इसको विस्तार से अगर हम देखें ये एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस क्या है, तो सॉलिड एंगल वो है जो एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, वो जो सर्कल एक्सिस पे घूम रहा है, उसका एंगल इट्स नॉर्मल एंगल है। लेकिन एक ग्लोब है जो अंदर से हॉलो नहीं है, पूरा फुल भरा है, सॉलिड है, और जैसे हम किसी एक भाग को निकालते हैं तो वो एक कोन की तरह बाहर आता है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट के एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो अब हम देखते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर आप देख रहे हैं एंगल के लिए एक डायग्राम दिया गया है। इस एंगल में आप देख रहे हो O से लेकर एक रेडियस है R, ये भी एक रेडियस है R, और इन दोनों रेडियस के पॉइंट्स को अगर मिलाया तो एक आर्क बन रहा है, एक चाप बन रहा है। उस चाप को हमने डिनोट किया है DS से और इसकी रेडियस है R। तो इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो है D थीटा। D थीटा इक्वल्स टू होता है, यानी एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, मीन्स चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर चाप आप देख रहे हो क्या है? DS, यहाँ पे चाप है DS और ये इसका जो अपॉन में हम बोल रहे हैं त्रिज्या यानी कि रेडियस R। तो D थीटा इज इक्वल टू DS अपॉन R और इट्स कॉल्ड अ रेडियन। ओके, अब हम देख रहे हैं स्टे रेडियन। स्टे रेडियन में आप देख सकते हो यहाँ पर एक एंगल है जिसका केंद्र बिंदु O है और O के पास जस्ट वहाँ पर D ओम लिखा हुआ है और रेडियस R है,
और लास्ट में एकदम यहाँ पे देखोगे तो डी ए लिखा हुआ है, यानी वो पूरा सर्कल बना, इतने कोण का एरिया है, अपर साइड का एरिया है। तो आप यहाँ पर देखो, डी ओम अगर मुझे फाइंड करना है तो जो अपर का जितना एरिया है वो अपन ने लिया, जो कि बोला चाप बटे त्रिज्या बोला था, तो सॉलिड एंगल में त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये था डी ए अपॉन आर स्क्वायर स्टे रेडियन। सॉलिड एंगल में निकालने का फॉर्मूला ये होगा, जिसमें त्रिज्या दुगनी हो जाएगी और ये एरिया से निकलेगा, और एंगल में हमने क्या बोला, चाप बटे त्रिज्या। तो ये था रेडियन और स्टे रेडियन में डिफरेंस, और इस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। विशेषताएं क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट वेल डिफाइंड होना चाहिए, मीन्स एक उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। हाईली प्रिसाइज, हाईली प्रिसाइज का मतलब होता है कि अगर कोई साइंटिस्ट इसके बारे में अपनी राय रख रहा है तो दूसरा साइंटिस्ट भी जब इसके बारे में बात करे तो कहीं ना कहीं उनमें अंतर ज़्यादा ना हो, सिर्फ कहने का वाक्य अलग होना चाहिए, बाकी कहने की मुद्दे की बात एक ही होनी चाहिए। तो ये बोलते हैं हाईली प्रिसाइज। इजिली रिप्रोड्यूसिबल, मतलब आप कहीं पर भी जाए नॉर्मली जो भी व्यक्ति से आप इस यूनिट्स के बारे में बात करोगे वो आसानी से इसे समझ लेगा, और ये इजीली रिप्रोड्यूसिबल है। हमने देखा कि प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होती है, और ये इजीली कंपेरेबल है दूसरी यूनिट्स के अकॉर्डिंग, दूसरी यूनिट्स से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट, हमें स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसकी हमें आवश्यकता है। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और प्रैक्टिकली अप्रूव्ड भी होनी चाहिए, यानी प्रैक्टिकली भी अवेलेबल होना चाहिए और प्रैक्टिकल अप्रूव भी होना चाहिए। और इतना जब हाईली प्रिसाइज हो जाती है चीज़ें, तो हमें इन सब की इम्पोर्टेंस और इन सब की ज़रूरत होती है, जो कम्युनिकेशन करने में बहुत आसान कर देती है। तो अगर हम हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम यहाँ चलता है वर्ल्ड में, तो जो मेज़रमेंट के बहुत सारे चीज़ें होती है जो इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो इसके लिए मेज़रमेंट काफ़ी ज़रूरी इम्पोर्टेंट रखता है, और उस मेज़रमेंट में स्टैंडर्ड यूनिट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमें ये रिक्वायरमेंट है इस तरह की यूनिट्स की, जो ऑल ओवर एप्लीकेबल और प्रैक्टिकली अप्रूव्ड और प्रैक्टिकली अवेलेबल हो। ये है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं कि जनरली हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर हमें बहुत सारी चीज़ें न्यूमेरिकल में पता चलती है, जैसे 5 टेरा, 5 गेगा, तो ये सब क्या चीज़ें होती है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं इन मीटर में, या हम इसकी वैल्यू नहीं पता होती है, तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और हम नहीं कर पाते हैं। तो ये चार्ट है जो आपको याद होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे टेरा, तो टेरा फर्स्ट आप देख रहे हैं, तो जिसको हमने डिनोट किया है कैपिटल टी से, और टेरा टेरा को बोलते हैं 10 to the power -12, सॉरी 10 to the power 12। तो ये 10 to the power 12 के फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 12 जीरो है, तो 12 जीरो लिखते रहेंगे क्या अपन, नहीं ना। तो उस 12 जीरो को अपन क्या करेंगे, 10 की पावर में उतनी लगा देते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। तो अब जैसे सपोज एग्जाम्पल लेके बताते हैं, टेरा जैसे हमने लिया तो 5 मल्टीप्लाई 10 to the power 12, इसको अपन 5 टेरा भी बोल सकते हैं। तो 5 टेरा को 10 to the power 12 में भी चेंज कर सकते हैं, और 10 to the power 12 कहीं दिखा तो हम उसको 5 टेरा भी बोल सकते हैं। तो ये था प्रीफिक्स, जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। गीगा जो सेकेंड है हमारे पास, गीगा
और गीगा का हमने देखा 10^9, और इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। थर्ड है हमारे पास मेगा, जो कि कैपिटल एम से डिनोट होता है, और इसका वैल्यू है 10^6। हेक्टो स्मॉल एच 10^2, डेका डी ए से और 10^1। और अब हम देखेंगे डेसी, डेसी जो कि स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और 10^-1 इसकी वैल्यू होती है। सेंटीमीटर, तो जो सेंटी होता है उसको हमने बोला सी, स्मॉल सी, एंड डिनोटेड 10^-2। मिली 10^-3, डिनोटेड स्मॉल एम। माइक्रो, इट्स सिंबल इट्स माइक्रोन, इट्स म्यू। ये इम्पॉर्टेंट है, आगे जाके आपको ये वैल्यूज़ और ये सिम्बॉल्स का यूज़ करना है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन से, माइक्रो 10^-6 जो है, नैनो 10^-9, पीको इट्स 10^-12। इम्पॉर्टेंट जो आपको वैल्यूज़ याद रखनी चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली आपको माइक्रो की, मिली, नैनो और किलो, मेगा और टेरा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको तो याद रखना ही रखना है, इस चार्ट को बहुत अच्छे से याद कर लेना, और ये वैल्यूज़ आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगी। अब हम यहाँ पर एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें हमने यूनिट कन्वर्जन बताए हैं। जैसे एक किलो को अगर हमें एक मीटर में चेंज करना है, एक किलोमीटर को एक मीटर में चेंज करना है तो क्या रहेगा, एक किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना हो तो क्या रहेगा। तो वो जो है, जो नॉर्मल सभी को पता है, मीटर, किलोग्राम और टाइम को अगर हम चेंज करते तो क्या होता है, 1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम या 1000 मीटर, 1 किलोमीटर का। तो अब इसी तरह के हमने यूनिट कन्वर्जन देखना है, फुट, फीट, इंच, किलोग्राम, पाउंड, एरिया, स्क्वायर मीटर, हेक्टर, एकड़। तो अब इसके बारे में यूनिट कन्वर्जन हम देख रहे हैं, और इसको काफ़ी अच्छे से आप इस वीडियो को देखिए। तो अब हम इस वीडियो को बता रहे हैं। इंच जो है वो हमारे अंगूठे की लेंथ होती है, यानी सिर्फ अंगूठे की इतनी लेंथ को हम इंच कहते हैं। इस इंच को, जो एक इंच है, एक इंच को हमें कन्वर्ट करना है मीटर, यूनिट मीटर में, तो उसकी वैल्यू होती है 0.0254 मीटर। वन इंच इक्वल्स टू 0.0254 मीटर। अब फुट क्या होता है हम वो देखें। सपोज मान लो मैंने एक स्केल बनाई है, ये इंच की स्केल है, जिसमें 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, अप टू सो ऑन 12 इंच तक, उसके बाद 13 इंच, 14 इंच, ये इंच की स्केल चलती जा रही है, 15 इंच, और ये 24 इंच। इस तरह की ये इंच टेबल बढ़ती जा रही है। दिस इज इंच स्केल। 0 से 12 इंच तक की जो डिस्टेंस है उसे हम 1 फुट बोलते हैं, 1 फुट, ठीक है। सो अब अगर कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी लेंथ 26 इंच होगी, 26 इंच होगी, तो हम उस लेंथ को अगर यहां तक मेजर करें तो 12 तक के 1 फुट, 24 तक 2 फुट, देन 2 इंच। जब सिंगुलर फॉर्म में है तो हम उसको 1 फुट कंसिडर कर रहे हैं, जब प्यूरल फॉर्म में आ जाता है, यानी 1 फुट से ज्यादा फुट्स आ जाते हैं, तो हम उसको फीट कंसिडर करते हैं। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 2 फीट एंड 2 इंच, ठीक है। अब कोई लेंथ है जो 14 तक के हैं,
ऐसी लेंथ जो 14 तक की कंसिडर हो रही है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, यहां तक के 1 फुट, तो हमने लिखा 1 फुट, एंड 1 एंड 2, तो ये 2 इंच, इस तरह का हम फुट इंच को कंसिडर करते हैं. सो 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंच. अब 1 इंच को ही अगर हम फुट में कंसिडर करें, 1 इंच को ही अगर हम फुट में कंसिडर करें, तो इसका वैल्यू होगा 0.08 फुट. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये तो डायरेक्ट वैल्यू मैंने आपको बताया 0.08, इसको हम ऐसे भी कर सकते 1/12 फुट. ठीक है, तो ये था 1 इंच का मीटर में, 1 फुट को जो हम बोलते 12 इंच होते हैं, 1 इंच को फुट में कंसिडर करना है. फुट क्या होता है, फीट क्या होता है, अभी हमने देखा. किलोग्राम एंड पाउंड के बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं. किलोग्राम आपको पता है कि हम कोई भी क्वांटिटी हो मास की, हम उसको किलोग्राम में लेते हैं. अब पाउंड को हम वहाँ यूज करते, जैसे आपने देखा होगा जब न्यू बेबी बॉर्न होता है तो हम बोलते हैं वो 7 पाउंड का है, 9 पाउंड का है. तो अब इन दोनों का जो रिलेट है वो हम देखते हैं, इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं. सपोज मान लो 1 पाउंड, 1 पाउंड को अगर मुझे ग्राम में कंसिडर करना है तो उसकी वैल्यू होती है 453 ग्राम, यानी आधा किलो से भी कम. ठीक है, और 1 पाउंड को इन किलोग्राम में अगर मुझे बताना है तो किलोग्राम में 0.453 किलोग्राम. सेम अगर मैंने आपको कहा कि 5 पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको क्या करना है, 5 × 0.453 का मल्टीप्लिकेशन करना है, और जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका आंसर आएगा वो आपका 5 पाउंड का आंसर होगा. ठीक है, अब हम देखें 10 पाउंड को. सो 10 × 0.453, तो ये हो जाएगा 4.53 kg. ये था पाउंड का किलोग्राम में कन्वर्ट. अब अगर 1 किलोग्राम को मुझे पाउंड में बताना है, ये LB इसलिए क्योंकि LB सिंबल है पाउंड का, पाउंड को शो करते हैं LB से और किलोग्राम को KG से शो करते हैं. सो 1 किलोग्राम को जब हम पाउंड में बताते हैं तो उसका वैल्यू आता है 2.2. ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट जितनी भी हमारे पास 5 kg, 10 kg, 9 kg, उन सबको अगर मुझे पाउंड में चेंज करना होगा तो वैल्यू आ जाएगा. हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं एकड़, हेक्टर, यार्ड एंड स्क्वायर मीटर. सपोज ये एक लैंड है जो कि 1 एकड़ का है, एक जमीन का टुकड़ा जो 1 एकड़ का है. इस 1 एकड़ को हमें स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है, हेक्टर में या यार्ड में, हमको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो माना 1 एकड़, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 1 एकड़ की इन स्क्वायर मीटर में. तो 4046.86 स्क्वायर मीटर. ये स्क्वायर मीटर, 1 एकड़ की वैल्यू इन स्क्वायर मीटर में 4046.86 स्क्वायर मीटर है. अब इस 1 एकड़ को मतलब अगर मैंने आपको बताया कि 5 एकड़ की जमीन है किसी के पास, अब वो 5 एकड़ की जमीन को हमें स्क्वायर मीटर में निकालना है, तब हम क्या करेंगे, 5 × ये जो 1 एकड़ का वैल्यू है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4046.86, तो जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, 5 एकड़ की जमीन के लिए इस तरह से हम सारे एकड़ को कन्वर्ट करके स्क्वायर मीटर में निकाल सकते हैं. अब
अगर किसी व्यक्ति ने बोला मेरे पास 5,000 स्क्वायर मीटर की जमीन है, तो उसको हमें एकड़ में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो जब स्क्वायर मीटर में हो और हमें एकड़ में चेंज करना हो, तब हम क्या करेंगे? 5,000 डिवाइड बाय 4,046.86 से डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एकड़ में आएगी, वो थी 1.23 एकड़। इस तरह से हम स्क्वायर मीटर को एकड़ में निकालते हैं। ये कुछ भी हो सकती है, 4,500, 6,000, 10,000, 12,000 स्क्वायर मीटर। तो हमें वो सब कुछ एकड़ में हमको निकालना पड़ेगा। हम कहते हैं ना उसके पास 3 एकड़ की जमीन है, तो ये जो एकड़ है वो हम इस तरह से स्क्वायर फीट में निकालते हैं और स्क्वायर फीट से एकड़ में निकालते हैं। अब हम देखें यहां पर 1 हेक्टर, वन हेक्टर को अगर मुझे एकड़ में चेंज करना है तो उसकी वैल्यू होती है 2.47 एकड़। ये भी वैल्यू आपको याद रखनी है, 1 हेक्टर इक्वल्स टू 2.47 हेक्टर। मान लो कि मैंने 10 हेक्टर लिया, उस 10 हेक्टर को मुझे एकड़ में चेंज करना है, तो 10 मल्टीप्लाई 2.47 एकड़, तो ये हो जाएगा 2.47 एकड़, यानी 25 एकड़ की उसके पास जमीन थी। ठीक है, ये था हमारे पास हेक्टर को एकड़ में चेंज करना। अब हम देख रहे हैं कि एकड़ को हेक्टर में कैसे चेंज करना। तो मान लो मेरे पास 25 एकड़ की जमीन है, अब वो 25 एकड़ की जमीन को हमें हेक्टर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 25 डिवाइड 2.47 इससे डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास 1 हेक्टर का वैल्यू था। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ 9.7 एकड़, लगभग 10 एकड़ के बराबर। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, एकड़ को हेक्टर में, हेक्टर को एकड़ में, स्क्वायर मीटर को एकड़ में और एकड़ को स्क्वायर मीटर में। ये 4 कन्वर्जेशन अभी हमने यहाँ पर देखे। अब 1 हेक्टर को हम स्क्वायर मीटर में देखते हैं, तो स्क्वायर मीटर में इसका वैल्यू होता है 10,000। 1 हेक्टर इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर मीटर। उसी तरह सपोज 5 हेक्टर की जमीन है और वो 5 हेक्टर की जमीन मुझे स्क्वायर मीटर में चाहिए, ना कि एकड़ में, स्क्वायर मीटर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह की वैल्यू हम निकालते हेक्टर से स्क्वायर मीटर में। तो ये आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस पर आगे इस वीडियो के ऊपर 3-4 असाइनमेंट क्वेश्चंस भी आएंगे आपको, तो बहुत अच्छे से आपको कन्वर्जेशन आना चाहिए, तो आप देखिएगा। सो ये था हेक्टर को स्क्वायर मीटर में। अब हम देखते हैं यार्ड क्या होता है। तो 1 यार्ड, 1 यार्ड इक्वल्स टू होता है 3 फिट। 3 फिट मीन्स जो हमने अभी पहले फर्स्ट में देखा था, 1 फुट बराबर 12 इंच, 2 फीट मतलब 24 इंच, तो 3 फीट मतलब 36 इंच। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है 1 यार्ड की। इस 1 यार्ड को 1 गज भी बोला जाता है। 1 यार्ड को 1 गज भी, ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा और इस वीडियो से हमने कन्वर्जन सीखा और इस
वीडियो के कन्वर्जन के बाद अब हम कुछ यूनिट्स देख रहे हैं जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स दिया गया है. तो कुछ यूनिट्स के हम कन्वर्जन देखें, जैसे लिखा है फर्स्ट 1 इंच. 1 इंच इन मीटर में कितना होता है ये आपको याद करना है, 0.0254 मीटर, एंड फुट में 0.08 फुट. सेकेंड है 1 फुट, और 1 फुट को हम यहाँ पे कर रहे हैं 12 इंच, यानी अगर फुट को मैं इंच में चेंज करूँ तो 12 इंच. इसको मीटर में भी चेंज किया जा सकता है, आप इंच की वैल्यू यहाँ रख दो मीटर में और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर में निकल जाएगा 1 फुट की वैल्यू. 1 मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में तो कितना होता है 100 सेंटीमीटर. 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम. 1 यार्ड, अभी हमने वीडियो में देखा 1 यार्ड 3 फिट, और 3 फिट मीन्स 36 इंच. 1 एकड़, 1 एकड़ को स्क्वायर इन मीटर में करना है तो 4046.86 स्क्वायर मीटर. 1 हेक्टर को एकड़ में चेंज करना है तो उसके लिए वैल्यू आती है 2.47 एकड़. 1 माइक्रोमीटर, अभी हमने प्रीफिक्स में देखा माइक्रो, माइक्रो मतलब 10^-6, तो 10^-6 आगे मीटर लगा हुआ है इसलिए मीटर. 1 मिलीमीटर 10^-3 मीटर. 1 लाइट ईयर 9.4 × 10^15, एंड 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10^-10. तो ये था यूनिट कन्वर्जेशन. अब हम देख रहे हैं सिंपल कन्वर्जन ऑफ यूनिट. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे वो देखेंगे, और आपको मज़ा आएगा. आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए. कन्वर्ट लेंथ यूनिट ऑन टू द यूनिट्स गिवन इन ब्रैकेट्स, मतलब जो लेंथ है जो हमारे पास दी हुई है यूनिट्स, उस यूनिट्स को ब्रैकेट में दी हुई यूनिट के साथ चेंज करना है. तो फर्स्ट हमारे पास है 51 cm, यानी कि सेंटीमीटर, उसको चेंज करना है मिलीमीटर में. सेकेंड है 120 मीटर, जिसको चेंज करना है इन मिलीमीटर में. थर्ड है 65.20 मिलीमीटर, उसको चेंज करना है हमें मीटर में. तो हम पहले देखें 51 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर. पहली बात देखिए, जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में पास होता है यानी कन्वर्ट होता है तो मल्टीप्लाई होगा, और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड होगा. ये रूल है, ट्रिक है, याद करो. बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाए तो मल्टीप्लाई, और छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट में जाए तो डिवाइड. तो फर्स्ट हमने देखा 51 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यूनिट बड़ी है मिलीमीटर से, तो जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहा है तो मल्टीप्लाई. तो 51 × 10, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 मिलीमीटर. यहाँ ब्रैकेट में हमने उसकी यूनिट कन्वर्जेशन भी लिखी है. सेकेंड है हमारे पास 120 मीटर, जो कि चेंज कर रही है मिलीमीटर में, और 1 मीटर में 1000 mm होता है. तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि वही रूल लगेगा जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट हो रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास mm में दी हुई है कुछ क्वांटिटी, और उसको हमें मीटर में चेंज करना है. यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ छोटे से बड़े में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, डिवाइड होगा. तो 65.20 mm इज कन्वर्ट टू 65.20/1000, और 1000 है तो ये वैल्यू आ गई, और 1 mm क्या होता है, 1/1000. सेकेंड है विच इज ग्रेटर, 45 kg और 4500 ग्राम. जब इस तरह की कुछ यूनिट आती है या क्वांटिटी आती है तो सिर्फ नंबर्स पर मत ध्यान देना, यहाँ पे यूनिट्स पर भी ध्यान देना. यहाँ पे एक यूनिट केजी में है, एक यूनिट ग्राम में है, तो या तो दोनों यूनिट को ग्राम में चेंज कर लो, या तो दोनों यूनिट को आप किलोग्राम में चेंज कर लो. तो जैसे ही आप कोई एक पर्टिकुलर यूनिट में चेंज कर देंगे, फिर आपको देखना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है. तो यहाँ पे ग्रेटर पूछा है, यानी हमें आंसर देना है कौन बड़ा है. तो जब मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों क्वांटिटी को ग्राम में चेंज कर दिया, तो 45 kg को जब ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के. तो 45 × 1000 कितना हो जाएगा, 45,000, और 4500 तो कौन बड़ा हुआ, 45,000 ग्राम बड़ा हुआ.
जैसे कि देखो 45 kg को हमने 45 × 1000 किया, 45,000 ग्राम हुआ। दोनों क्वांटिटी में अब कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो हमने बोल दिया 45 kg बड़ा है। ठीक है, जैसे हमने देखा यहाँ पे 45 kg और 4500 ग्राम दिया हुआ है, तो 45,000 ग्राम बड़ा है या 45 kg बड़ा है? तो वो हमने देख लिया यहाँ पे कि 45 kg बड़ा है। हाउ मैनी क्यूबिक फिट आर देर इन अ रूम मेजरिंग 5 m × 10 m × 2 m? मीन्स यहाँ पर जो क्वांटिटीज दी हुई है 5 m, 10 m और 2 m, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। और किसी भी क्यूबिक फीट या वॉल्यूम को अगर हमें निकालना है तो वो होता है हमारा आंसर वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमने इसे वैल्यू पुट कर दिया और आंसर निकाल दिया 100 m³। यहाँ पे 3 m से लेंथ में भी मीटर था, ब्रेथ में भी मीटर था और हाइट में भी मीटर था, इसलिए हमने क्या बोला, मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट इन मीटर ऑफ अ 5 ft & 3 in ऑफ अ पर्सन? अब आप बोलेंगे यार ना तो मुझे फुट दिखाई दे रहा है ना तो इंच दिखाई दे रहा है, तो ये जो डैश दिख रहा है, 5 के पास एक डैश दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड अ फुट, और डबल डैश दिख रहा है मतलब इंच। एक बात याद रखना, प्रैक्टिकल आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स में हम इसी तरह की वैल्यूज लिखेंगे, तब वहाँ पे हम इसे मिनट और डबल डैश को सेकंड डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाइट किसकी, पर्सन की, और पर्सन की हाइट किस में मेजर होती है, फुट और इंचेस में, इसलिए हमने ये जो वैल्यू ली है ये फुट और इंच के लिए ली है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हमें इसे कन्वर्ट काय में करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब हम देखते हैं मीटर में कैसे कन्वर्ट होता है। तो 1 inch आपने देखा, अभी हमने जो टेबल देखा था, चार्ट देखा था, उसमें मीटर का वैल्यू क्या था, 1 inch का 0.0254 m। अब उसी तरह अगर 1 ft का मुझे इन मीटर में निकालना है तो आपको पता है 1 ft बराबर कितना होता है, 12 inch, और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस मीटर वाली वैल्यू से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1 ft का 0.304 m। 5 ft और 3 inch को अब हमें वैल्यू पुट करना है, 5 × फुट का कितना वैल्यू था इन मीटर में, 0.304 in meter, और 3 inch, इंच के लिए क्या मीटर था, 0.0254। दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे जिसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.5962 m। तो अभी हमने इस मॉड्यूल्स में पढ़ा, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ा, SI यूनिट्स और मैं फंडामेंटल यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में समझा, उसके बाद हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और रिक्वायरमेंट्स के बारे में जाना, और दोनों के प्रीफिक्स जाने, प्रीफिक्स के बाद हमने यूनिट कन्वर्जन देखा, यूनिट कन्वर्जन में हमने वेरियस टेक्निक्स देखी, अलग अलग क्वेश्चंस देखे। अब हम यहाँ पे कुछ हमने जो वीडियो अभी अपन ने मॉड्यूलस 2 में जितना पढ़ा उसके आधार पे कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं, और आई थिंक अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो आप ये असाइनमेंट क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे, और असाइनमेंट क्वेश्चंस के क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आप हमें कमेंट्स ज़रूर दीजिए, और उसमें पर्टिकुलर आपकी जो क्वेरी है, क्वेश्चन है कोई दिमाग में, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजरमेंट इंटू मीटर। फर्स्ट है 280 cm, जिसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, 56100 mm को चेंज करना है मीटर में, 3.7 km को भी चेंज करना है मीटर में, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर ही मैंने दिया है। सेकेंड, वॉट इज ग्रेटर 45 km और 630 m? तो इसमें भी यूनिट देखो अलग अलग है, आपको क्या करना है, आपने जाना समझा इसको करना है। और थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी क्यूबिक फीट आर देर इन रूम मेजरिंग, यहाँ पर हमने वैल्यूज चेंज कर दी है। फोर्थ, व्हाट इज द हाइट इन मीटर ऑफ अ पर्सन, 7 ft & 5 in ऑफ अ पर्सन। फिफ्थ है, डिफरेंस बिटवीन CGS एंड FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अभी ये 5 questions है, आप असाइनमेंट ज़रूर कीजिए।
हम मॉड्यूल 3 में एक्यूरेसी के बारे में जानेंगे। एक्यूरेसी बहुत अच्छा टॉपिक है। एक्यूरेसी प्रैक्टिकल परफॉर्म जो करते हैं उसमें हम कितना मेजरमेंट सही कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कितनी वैल्यू आना चाहिए, कितनी वैल्यू हम आ रही है, तो इस टाइप की हम कुछ एक्यूरेसी देखेंगे प्रैक्टिकल में। प्रिसिशन देखेंगे और उस एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बीच में होने वाली एरर्स के बारे में भी एनालाइज करेंगे और उन एरर्स को एस्टिमेट कैसे किया जाता है, सॉल्व कैसे करना है, किस तरह से हमें लिखना है एरर को, किस तरह से समझना है और किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मॉड्यूल 3 काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकली होगा समझने के लिए। तो आई होप आपको मॉड्यूल 2 भी अच्छे से समझ में आया होगा। बस यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यूनिट कन्वर्जन एक बार आ गया तो आगे की आसान होगी चीज़ें समझने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।